अगर आपका फॉर्म 10 से रिजेक्ट हो रहा है और लिखा गया है कि 6 महीने से कम की सर्विस है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाने वाला हूं कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और आपके पास अब क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले नियम समझ लेते हैं, थ्योरी जान लीजिए पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल जानेंगे। सबसे पहला नियम ये है कि अगर सर्विस 6 महीने से कम है तो आपको पेंशन का अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब क्या बना, अगर मान लो 5 महीने 28 दिन की सर्विस है, तो इस 5 महीने 28 दिन में जो भी आपका पेंशन जमा हुआ है वो पेंशन के पैसे आपको नहीं मिलेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कहा जाएगा, या तो कहा जाएगा कि लेस देन 6 मंथ की सर्विस है, या कह दिया जाएगा इनसफिशियंट सर्विस। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन करके ये बताते हैं कि आपको हम 10C के पैसे नहीं देंगे। अब ये पैसे जाते कहाँ हैं, तो ये पैसे ये खा जाते हैं, ये पैसे ये आगे कहीं नहीं देते हैं, ये ऑफिस के पास में ही जेब में ही ये पैसे पड़े रह जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम ये है जो कम लोगों के ऊपर लागू रहता है कि अगर 6 महीने प्लस कुछ भी सर्विस है, 6 महीने अगर 1 दिन की भी सर्विस हो गई, तो इस 6 महीने 1 दिन की सर्विस को ये 12 महीने की सर्विस मान के फिर आपको पेंशन देते हैं। तो ये कितने लोगों पे लागू होता है, होता होगा, लेकिन ज़्यादा जो परेशानी है वो ये वाली है जिसमें 6 महीने से कम की सर्विस होने पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये समझ गए, ये मेन नियम है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये नियम आपके ऊपर कैसे लागू होता है। इसके लिए आपको अपनी पासबुक खोलनी पड़ेगी। देखो, पीएफ पासबुक खोलोगे, अब यहाँ पीएफ पासबुक खोलोगे तो इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे टच करना है, उसके बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक तो यहाँ बाहर टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपको चेक करना है सर्विस हिस्ट्री के अंदर। सर्विस हिस्ट्री में अगर आप देख रहे हैं तो देखो, ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें तो इसके बहुत ज़्यादा सर्विस है, 6 साल की सर्विस है। मैं अभी जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक सर्विस है, आपको अपनी लास्ट सर्विस को देखना है। अब दो कंडीशन हो सकती है, पहले मैं एक कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ, फिर दूसरे के बारे में बताऊँगा। अगर आपको ये समझना हो अच्छे से तो पूरी वीडियो देख लेना, नहीं समझोगे तो फिर 50 वीडियो देख लेना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखना सबसे लास्ट वाली सर्विस, सबसे लास्ट वाली सर्विस आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है 4 महीने 23 दिन। तो ये 4 महीने 23 दिन एक चीज़ तो आपको ये देखनी है, और दूसरी चीज़ देखनी है NCP डेज। अब ये NCP डेज क्या होता है, मान लिया कि 4 महीने 23 दिन है, तो ये तो क्लियर है कि 6 महीने से कम की सर्विस है, तो ये तो सर्विस ख़त्म ही मान लीजिए। लेकिन अगर ऐसा केस होता है जहाँ पे यहाँ पे सर्विस होती है 8 महीने, ठीक है, 8 महीने की सर्विस होती है और NCP डेज में मान लो 65 है, तो 65 का मतलब क्या हुआ कि ये 8 महीने जो आपने सर्विस की उसमें 65 दिन की कंपनी वालों ने आपकी छुट्टी लगाई है। तो छुट्टी लगाने से यहाँ इस सर्विस में से 8 महीने में से 65 दिन घटा दिए जाते हैं। ऐसा होने पे अगर यहाँ पे 6 महीने से कम बन जाता है तो भी आपको जो भी पेंशन का अमाउंट होता है वो नहीं दिया जाता है। आजकल के स्टाइल में ज़्यादातर ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर केस के अंदर ये इस तरह से लिख के दे देते हैं। क्या लिख के देते हैं, सर्विस जो है 10C आपका रिजेक्ट किया गया है आफ्टर डिडक्टिंग NCP डेज। अब यहाँ पे ये लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना कि 6 महीने से कम की सर्विस है, लेकिन यहाँ अगर कोई लड़ना चाहे कि भाई मेरी तो 8 महीने की सैलरी है, 9 महीने की सैलरी है या 10 महीने की सैलरी है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि सर्विस 6 महीने से कम है। तो आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे ये लिख के दे देते हैं कि इस 8 या 9 महीने की सर्विस के अंदर आपके NCP डेज इतने हैं। अगर आपको खुद से चेक करना हो तो आप कहाँ चेक करेंगे, आप सर्विस हिस्ट्री के अंदर जाके चेक करेंगे कि ये आपकी सर्विस कितनी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपके एक सर्विस थी, दो सर्विस थी, तीन सर्विस थी, चार सर्विस थी। ठीक है, अब आपको करना ये होता है कि सारी सर्विस को ले जाके लास्ट वाले में मर्ज करना होता है। अब ऐसा होगा कि अगर मान लो यहाँ 3 महीने की, यहाँ 4 महीने की, यहाँ 5 महीने की, यहाँ मान लेते हैं 3 महीने की है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र भी तभी होता है जब 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस हो। तो ये कंडीशन समझ गए, तो क्या होगा, ऐसे में तो हमारा टोटल मिला के तो ज़्यादा बना, तो भी क्या हमें पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं जी, तब भी पेंशन नहीं मिलेगा। ये मैं अपने काम के अनुभव पे बता रहा हूँ, ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो PF होगा ना, PF तो आप चाहे 1 महीने काम करो, चाहे आप 10 दिन काम करो, अगर 100 रुपये भी पड़े होंगे ना, मिनिमम 100 रुपये PF निकल सकता है, तो 100 रुपये से ज़्यादा अगर PF होगा तो निकल सकता है। लेकिन अगर पेंशन इस तरह से बटा होगा 4 महीने 5 महीने करके, तो नहीं निकलेगा। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं, जिसके अंदर पहली वाली सर्विस 1 साल की है और दूसरी वाली सर्विस मान लेते हैं 4 महीने की है,
तो क्या हमें ये 4 महीने वाली सर्विस का मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। हम जब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमें ये 1 महीने वाली, 1 साल वाली सर्विस का मिलेगा, ये 4 महीने वाली सर्विस का नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल नियम ऐसा बनाया गया है ताकि कुछ भी घुमा फिरा के जो है, अगर 6 महीने से कम है तो आपके पेंशन के पैसे ये खा जाते हैं और उसका बेनिफिट आपको कहीं भी नहीं दिया जाता है। ना तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही इसका कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 99% मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने 10C में लिख दिया कि आपके 6 महीने से कम की सर्विस है तो फिर ये देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका ना ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही डिसाइड कर लेता है कि इसकी सर्विस सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि अगर किसी का 10C लिख दिया गया कि सर्विस कम है तो फिर उनको पेंशन नहीं मिलती है। एक कंडीशन ये है कि भाई हो सकता है पहले वाली सर्विस को ट्रांसफ़र ना किया हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई चलो पहले हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था, अब हमने प्रॉपर ट्रांसफ़र कर लिया तो अब हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें 10C के पैसे मिलेंगे। तो देखो मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में फिर एडिटिंग करने में। तो अगर आपको ये वीडियो की समझ आती है तो आप मुझे 10 में से इस वीडियो के लिए कितने नंबर देंगे ये बताइए। प्लस मैं ये देखता हूँ कि मेरी वीडियोज से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ समझिए कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप थैंक यू बोलने के नाते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल बड़ा होगा तो जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अब मैंने अच्छी चीज़ तो बता दी, अब लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं तो वो पता कैसे चलेगा उनको कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, यूट्यूब से मेरे को बहुत ही कम रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ के चलिए कि जितना ज़्यादा ये चैनल बड़ा होगा उतना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, मेरा तो जो फ़ायदा होगा सो होगा ही। तो अगर आप इस बात से सहमत होते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।